हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम लेके आए हैं सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये सर्किल किस तरीके से बनेगा 3D में, तो स्टेप्स वही फॉलो होंगे। पहले हम बनाएंगे सर्किल और उसको एक बक्से के अंदर बंद किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, और इसकी हमने रेडियस ली है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो गया 60 mm, ठीक है। तो ये हमने 30 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींचा, ठीक है। तो हमने डी कितना लिया है 60 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बक्से के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईडी फर्स्ट, या फिर जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक। अब खींचेंगे वर्टिकल दोनों तरफ, ये ठीक है। हमने इसका नाम दिया 1, 2, 3, 4, किसका, बॉक्स का, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, जो पिछले दो लेक्चर में हमने किया था पंचभुज और षटभुज के लिए। अब देखिए, इस बॉक्स को सर्किल चार जगह से टच कर रहा है, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। तो हमने इसको नाम दिया ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, यहां पे निशान लगाया और 30-30 डिग्री पर लाइन खींचे, और हमने इसको नाम दे दिया पहले ही 1। तो ये 1 जो बिंदु है ये इसी बॉक्स का है, ठीक है। तो हमने इसी बिंदु से दोनों तरफ 30-30 डिग्री पर लाइन खींची, हल्की पेंसिल से, ठीक है। अब जो, अब चूंकि ये सर्किल है तो सर्किल हमेशा जिस बक्से में बंद होगा वो हमेशा स्क्वायर होगा, क्योंकि हर बिंदु की दूरी जो है सेंटर से, तो हमने 1 से बराबर है, तो हमने 1 से 2 की दूरी कंपास में ली, 1 को सेंटर माना, तो 0.2 किधर आएगा, 0.4 आ गया, और हमने इसको चाप लिया, इसको सेंटर लिया, ये बिंदु 3 आ गया। तो ये 1, 2, 3 और 4, और उनको आपस में हमने मिला दिया, वही हल्की पेंसिल से, ये। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को लोकेट करेंगे। अब देखिए, जो दूरी 1 से A की होगी वही 2 से B की होगी, वही दूरी 3 से C की होगी और वही दूरी 4 से D की होगी। तो हमने 2 से
ये तक की दूरी को लिया, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो पंचभुज और षटभुज से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आकृति बनेगी बनानी है वो बनेगी प्रकार की सहायता से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 को कंसीडर करेंगे, 2 और 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम जब हम बनाएंगे वर्टिकल पोजिशन में। तो फर्स्ट फर्स्ट के सामने कौन कौन से बिंदु, सी और बी। तो फर्स्ट बिंदु 1 को सी से और बिंदु 1 को बी से मिला देंगे, तो हमें हमारी बन जाएगी वी शेप। कौन सी शेप बन जाएगी, वी शेप। ठीक है, अब फर्स्ट के सामने 3, तो हमें आमने सामने वी शेप बनानी है। तो फर्स्ट के सामने बिंदु 3 आ रहा है, तो बिंदु 3 को हमने डी से मिलाया और बिंदु 3 को हमने ए से मिलाया। तो हमने इसको नाम दिया एम और एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 से C या 1 से B की दूरी प्रकाल में लेंगे। और बी से सी तक एक चाप लगा देंगे। अब इसी दूरी से 3 से D की दूरी या 3 से A की दूरी ली, ये चाप लगाया। अब M को हमने सेंटर माना, M से C की दूरी प्रकाल में ली, ये आ गया। अब N से B की दूरी प्रकाल में ली, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया। अब हम बनाएंगे इसको वर्टिकल पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, वर्टिकल, ठीक है। कोई बिंदु लिया, तो वर्टिकल के लिए हम एक लाइन 30 की लेते हैं, 30 डिग्री वाली और एक 90 डिग्री वाली। अब 30 वाली तुम्हारे ऊपर है, आप लेफ्ट साइड ले लो या फिर राइट साइड ले लो, तो हम ले रहे हैं राइट साइड वाली। लेफ्ट वाली की प्रैक्टिस लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये बिंदु 1 हो गया, वन से 2 की दूरी हमने प्रकाल में ली, तो ये बिंदु 2 आएगा इसी पे, ये बिंदु 4 आ गया, बिंदु 3 आ गया। ठीक है, 2 को 3 से मिलाया, और 3 को 4 से मिलाया,
अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को लोकेट करेंगे। तो हमने 2 से ए तक की दूरी ली, ठीक है, नंबरिंग की ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो पहले हमने बिंदु कौन कौन से लिए थे, 1 और 3 लिए थे, अब हम लेंगे 2 और 4। अब 2 के सामने कौन कौन से बिंदु हैं, डी और सी, मिला देंगे दोनों को, डी और सी को 2 से, बिंदु 4 को मिला देंगे ए और बी से। ठीक है, तो जहां से V बना है उसी बिंदु को सेंटर लिया जाएगा। तो जैसे V बनना है 2 पे, तो 2 से C की दूरी ले लो या 2 से D की दूरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी एक ही है, ठीक है। एक चाप लगाया, अब बिंदु 4 को सेंटर लिया, ये चाप लगाया, इसको हम क्या मान लें, P और Q मान लेते हैं। P से D की दूरी प्रकाल में ली, P से तो हमने P से D की दूरी ली, ये चाप लगाया, उसके बाद हमने Q से C की दूरी ली, ये चाप लगाया। तो ये बन गया सर्किल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि इसी चित्र से या हम कोण कैसे बनाएंगे, कोण मतलब पिरामिड। तो गोला का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, शंकु होता है, ठीक है। तो हम अब बनाएंगे शंकु अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।